तो गाइस देखिए फाइनली हम लोग महल के बाहर आ गए हैं। हम लोगों ने पूरा महल के अंदर का सारा नजारा देख लिया है, काफी अच्छा लगा, मजा आया। सो हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं लाल किला घूमने के लिए। तो क्या नाचोगे? तो आज काफी दिन में हमें छुट्टी मिली है, जैसा कि आज पता है कि आज जन्माष्टमी है, तो इसके अवसर पर हम लोग जा रहे हैं लाल किला घूमने के लिए। तो उम्मीद है कि बढ़िया से एंजॉय करेंगे, सभी बढ़िया घूम के आएंगे। आज बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हम लोग, लाल किला जाएंगे और साथ में चांदनी चौक भी घूमेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। अच्छा, हम आपको दिखाएंगे सारा कुछ नजारा एकदम मजे में। अभी हम ऑटो बुक करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे सीधा MG रोड से मेट्रो पकड़ेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे आगे के लिए। चलिए ठीक है, तो फिर हम ऑटो बुक करते हैं और फिर चलते हैं लाल किला। देखिए हमारा ऑटो आ गया है, अभी हम जाने वाले हैं। One thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. So hello guys, हम लोग अभी मेट्रो स्टेशन पर, हम लोग अभी मेट्रो पकड़ने वाले हैं। मेट्रो से हम लोग जाने वाले हैं लाल किला, तो आपको दिखाते हैं कि हम लोग मेट्रो से। Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you. So guys, अभी हम पहुंच गए हैं केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। देखिए हम मेट्रो से बाहर आए हैं, अभी हम मेट्रो चेंज करने वाले हैं। यहाँ से मेट्रो चेंज करेंगे और फिर मेट्रो जाएगी सीधा लाल किला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ठीक है तो हम चलते हैं। Best man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's. So guys, अभी हम आ गए हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पर। हम लोग भी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले हैं, और जैसे हम मेट्रो से बाहर निकलते हैं, चलते हैं सीधा लाल किला घूमने के लिए। Good day, wake up, today's gonna be a good day. लाल किला के बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 4 का यूज़ करें। गेट नंबर 4 से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप लाल किला के सीधा बाहर ही निकलेंगे और आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं पहली बार में भूल जाते हैं कि मतलब हम लोग लाल किला तक पहुँचे, हम लोग को ऑटो लेना पड़ेगा। इसलिए आप अगर गेट नंबर 4 से निकलते हैं तो आपको ऑटो नहीं लेना पड़ेगा, आपको सीधा सामने दिख जाएगा लाल किला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए हम लोग चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग लाल किला मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है, और अभी आप देख सकते हैं पीछे हमारे लाल किला है। हम लोग बस अंदर ही जाने वाले हैं और फिर आपको दिखाते हैं एकदम बढ़िया वाला नज़ारा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ का कुछ सीन देखिए, यहाँ पर कुछ ऑटो ऑटो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं लाल किला के बाहर एक स्टैचू मैन खड़ा हुआ है। Oh my God! Wow! अच्छा लग रहा है ना, जबकि एक रियल मैन है। क्या बोला तूने? एक असली आदमी है, देखने में स्टैचू की तरह लगता है, आप देख सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लाल किला की गेट नंबर 2 पर। आप गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं कर सकते, वहां से सिर्फ निकल सकते हैं, गेट नंबर 2 से एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग गेट नंबर 2 से एंट्री करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है, तो आप सोमवार के दिन मत आइएगा। सोमवार के दिन लाल किला बंद रहता है, आप बाकी दिन किसी भी दिन आ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको और भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली आपको अगर म्यूजियम के अंदर जाना है तो आपको 50 रुपये का यहाँ टिकट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट मिलता है 50 रुपये का। अगर आप म्यूजियम साथ में म्यूजियम देखना चाहते हैं तो आपको 80 रुपये का टिकट मिलेगा, 150 रुपया देगा। ये देखिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर लोगों ने जो टिकट लिया है ये 3 लोगों के लिए है। ये कुछ टिकट इस तरह का मिलता है। नज़ारे को देख के शायरी याद आ गई। बोल भाई बोल, शायरी सुना यार। भाई आज के सीन और नज़ारे की और मौसम पे देखा जाए सबके दिल आ गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज के और सीन और इस माहौल पर सबके दिल आ गए। फाइनली भाई मेट्रो और ऑटो से होते हुए अब लाल किला आ गए। जाना
वाह क्या शायरी सुना है, देख रहे हो आप। अंकुश भाई ने एक बढ़िया शायरी सुनाई है और इसी के साथ शायरी के साथ मजे करते हुए हम चलेंगे लाल किला के अंदर। करवा देना बिल्कुल से भाई, बिल्कुल ब्लॉग को एकदम लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ब्लॉग को। शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं लाल किला के अंदर और आपको देखते हैं एकदम बढ़िया से नजारे, अगर वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोग लाल किला के अंदर एंट्री कर चुके हैं, आप देख सकते हैं क्या मौसम है भाई। मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, कैसे हैं भाई? देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आगे एकदम। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे लाल किला के अंदर जाने के लिए। दरवाजा है मेन, देखिए अंकुश आगे जा रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये देखिए कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से एक साथ, ये सीधा घुस जाएगा, रुकेगा नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये रहा वो दरवाजा लाल किला का जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे अभी। ये देखिए यहाँ पर दरवाजों की सिक्योरिटी के लिए तोपे लगाई गई है। इन तोप से यहाँ पर सिक्योरिटी होते हैं, उस टाइम पर राजा महाराजा लोग यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगा रखे थे। अच्छा ये देखिए लगा रखे गेट के दोनों साइड, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो भाई साहब यहाँ का नज़ारा देख रहे हो, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये होता है नज़ारा, मुझे तो लग रहा है ये कुतुब मीनार से ऊपर लग रहा है यार। ये देखिए यहाँ पर एक झंडा फहरा हुआ है, बहुत ऊंचा है। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ रास्ता है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ऊपर खड़े होकर झंडा को फहराते हैं। हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये बात है। ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर, वीडियो वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितना ऊंचा ऊंचा दीवार है यहाँ पर भाई साहब। यहाँ का आप नज़ारा देखेंगे, यहाँ गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर पूरा मार्केट लगा हुआ है। लाल किला के अंदर ही पूरा मार्केट लगा दिया है। चलिए आपको कुछ दुकानें दिखाते हैं, मार्केट कैसी है वहाँ पर, लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। देखिए आप यहाँ पर देखिए कितनी दुकानें लगी हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, पूरा का पूरा एक मार्केट सजा दिया है लाल किला के अंदर। देख सकते हैं सूरज देख के डर गया है। और भी देखिए यहाँ पर और भी बढ़िया बढ़िया दुकानें लगी हुई है। देखिए अगर आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो आप लाल किला के अंदर ही कर सकते हैं, 50 रुपए का टिकट लीजिए और शॉपिंग कीजिए पूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भी देखिए यहाँ पर कुछ दुकानें दिखाते हैं आपको। ये देखिए है बच्चों के लिए पूरा शॉपिंग का पूरा दुकान लगा दिया है। यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप है। देखिए यहाँ पर आप देखिए लाल किला के अंदर एकदम व्हाइट हाउस बना दिया है, देख सकते हैं ये बढ़िया नज़ारा दिया गया। मार्केट भी एकदम बढ़िया लगाया गया यहाँ पर भाई, साथ में यहाँ पर एक पार्क भी है। लाल किला के अंदर सफेद नज़ारा देखने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया मार्केट बढ़िया लगाया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक पार्क में जाने के लिए कुछ रास्ते भी हैं, यहाँ से आप पार्क में भी जा सकते हैं। चल चलते हैं। और आप दुकानें देखिए यहाँ पर क्या बढ़िया बढ़िया दुकानें लगाई। ये देखिए लाल किला के अंदर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एक नज़ारा मिल रहा है। ये पीकॉक है जो इंडियन फ्लैग के कलर में बनाई गई है, देख सकते हैं क्या बढ़िया लग रही है। ये देखिए लाल किला के अंदर एक और बढ़िया चीज़ दिखी है देखने को, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखिए एक और गेट मिला है हमें यहाँ पर, हम लोग इस गेट से भी अंदर जाने वाले हैं।
चलिए आपको दिखाते हैं साथ में। और ये देखिए यहाँ क्या पार्क का नज़ारा अच्छा दिख रहा है, देखने में आपको भी बहुत मजा भी आए तो अंदर से। देखिए गाइस यहाँ पर एक और एकदम बढ़िया चीज़ मिली है देखने को, ये पार्क है और साथ ही यहाँ पर एक बढ़िया सा महल बनाया गया है। उस टाइम का महल बहुत ही गजब दिखता था, अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मेरा पैर दर्द कर गया सूरज का पैर दर्द कर गया शाबाश। अंकुश तेरा क्या हाल है? मेरा तो भाई बढ़िया हाल है यार, क्या सीन देखने को मिल जाए। कुछ शायरी वारी सुना दे यार। नहीं अरे शायरी के लिए टाइम थी यार, जाने टाइम पे सुनाएंगे, काफी टाइम सुनाएंगे। चलिए अभी चलते हैं आगे और भी नज़ारे देखते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग काफ़ी मजे कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है हम लोग को घूमने वूमने में, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिली। शायद मैं पहली बार ही लाल किला के अंदर आया हूँ, मैं कभी अंदर नहीं आया, मैं बाहर से ही फ़ोटो खींचता था और मैं पहली बार मैं लाल किला के अंदर आया हूँ और अंदर इतना कुछ देखने को मिला है। देखिए अब क्या दीवारें बनाई गई, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर लकड़ी का पुल बनाया गया, लकड़ी के पुल पर निकल रहे हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये देखिए आप एक सस्ता ताजमहल है, ये देखिए है रंग महल है ये, इसके साथ रंग महल बोलते लोग बता रहे हैं, मुझे पता नहीं था रंग महल गजब बेइज्जती है क्या। ये देखिए रंग महल यहाँ पर है, तो देख सकते हैं ये एक और बढ़िया जगह मिली है हमें, नाम पता नहीं, नाम इसका पता नहीं है हमें क्या है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, देखने में काफी सही लग रहा है। ये देखिए मजे करते हुए जा रहे हैं, देखने में काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। फ़ोटो वोटो हम लोगों ने बहुत सारे खींचे हैं, आप देखेंगे मैं शायद फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख पाएंगे तो आपको सब दिखाया जाएगा एक मीनान से। क्या बोला तूने? एक मीनान से। तो आप देख सकते हैं ये जो महल है इसका नाम है दीवाने खास। दीवाने हम नहीं होते दीवाने रात। देखिए इसके नाम पर अंकुश ने गाना गा दिया एक बढ़िया सा। सूरज मिस्टर सूरज आप कुछ कहना चाहेंगे इस महल के बारे में? हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा और पैर दर्द कर रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये देखिए क्या बढ़िया सीन है यहाँ का, फोटो वोटो खींचेंगे तो काफी अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पर एक और भी जगह मिली है हमें घूमने के लिए, यहाँ पर ये लाल किला के अंदर जो हम लोग आते हैं ना, हम लोग को लगता है कि छोटी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है, आप जितना चाहे उतना घूम सकते हैं यहाँ पर। में कोई दिखाता नहीं है ये चीज, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ वैसे सही माने में आपने कभी लाल किला के अंदर देखा नहीं होगा कितनी जगह है, कितना घूमने के लिए जगह होगा, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कितना सारा जगह है घूमने के लिए। ये देखिए तो गाइस देखिए फाइनली हम लोग महल के बाहर आ गए हैं, हम लोगों ने पूरा महल के अंदर का सारा नज़ारा देख लिया है, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। अब देख सकते हैं जब हम लोग अंदर गए थे तब कुछ और ही नज़ारा था, अभी हम लोग बाहर आए हैं और देखने में क्या बढ़िया लग रहा है मज़ार। देखिए अब पूरे एकदम लाइटिंग वाइटिंग लगा रखा है चारों तरफ, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में। और जैसे ही हम लोग महल के बाहर आए तो हमको उसको एक शायरी याद आ गई, तो हमको आपके सामने एक शायरी सुनाएगा, सुनिए। हाँ तो भाई लोग जैसा कि मैं शुरुआत में आया था भाई, तो पहले तो शायरी सुनाई थी, पहले हम लोग बहुत ही गर्म मूड में थे, मेट्रो से आए, मेट्रो का ऑटो से आए, लेकिन अब ऐसा देख के लग रहा है कि भाई दोपहर का जो गर्मी थी वो अब कूल हो गई, दोपहर में हम गर्म थे लेकिन अब हम कूल हो गए। वाह लेकिन भाई जो शुरुआत के हमारे 50 रुपये टिकट थे उस हिसाब से तीनों के हुए 150 रुपये, तो अब ऐसा लग रहा है अंदर का नज़ारा देख कि भाई 150 रुपये तीनों के वसूल हो गए। वाह 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 भाई साइड भाई वाह, देख आपने सुना चलते हैं, अब हमारा भी टाइम हो गया घर जाने का, जाते हैं सभी, तो सभी लोग अपना अपना प्यार दीजिए और ब्लॉग को जितना हो सके उतने से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ऐसे ही हमारे पे अगर आपको आपका जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा हमारे उतने ज्यादा ब्लॉग आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय, वंदे मातरम।